Good morning, everyone. I hope you all are fit, safe and healthy at your home. So, this is our second online class, and in the previous class, we have started the topic models or modals, in which I have told you the definition and about something about verbs, which I tell you again as a revision. हम एक बार revision कर लेते हैं, हमने previous class में क्या पढ़ा था. So, models are a part of auxiliary or helping verb. Models किसके part होते हैं? Auxiliary और helping verb के. Basically, जो verb है, it is divided into two parts, main verb and the second is auxiliary verb or helping verb. Auxiliary verb or helping verb को हमने दो parts में divide किया हुआ है. First is primary auxiliary verb and second is model auxiliary verbs. Example of primary auxiliary verbs are do, did, done, have, had, etc. Now, second is model auxiliary verb and the examples are shall, should, may, might, must, ought to, used to, etc. इनके different different use होते हैं, we will discuss them later, हम उन्हें बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले, we will start with the rules which are to be followed जब हम models को use करते हैं in a sentence. So, we will start with the journal. डेफिनेशन मूड शोइंग वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स. मूड शोइंग जो हमारे मूड को दर्शाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स. एक एग्जाम्पल देखिए, ही मस्ट गो देयर. अगर हम उसे वहाँ जाना चाहिए, मस्ट हमेशा कंपल्शन के लिए यूज होता है कि आपको कंपल्सरी है वहाँ जाना. इन सब का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ही इज सब्जेक्ट हियर, मस्ट इज मॉडल and go is main verb and there is predicate or object. ये हमने इसको divide कर दिया है rules के according. So जो main verb है, model उससे पहले आता है. This is also a sort of rules. चलिए we will discuss a rule, rules. So models are followed, followed मतलब बाद में, by a main verb. Model के just बाद हमेशा main verb आता है, मतलब models are used बिफोर मेन वर्ब. जो मेन वर्ब होता है उससे पहले यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स. तो यहाँ पर हियर शुड इज द मॉडल एंड ओबे इज मेन वर्ब एंड शुड इज अ मॉडल. मॉडल्स आर सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टू गेट द एक्शन कंप्लीट, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. नाउ द सेकेंड रूल इज फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स verbs do not change according to the person number of the subject. जो model की form है वो कभी भी subject और person के according change नहीं होती है. Model की forms कभी भी change नहीं होती है. For example, he can run fast. जो person है, first person, second person, third person and number is singular and plural. इनके according models की verb forms change नहीं होती. Now the third is फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज विद ऑल मॉडल्स. मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वही यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो. गो इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड कैन इज मॉडल हियर. एक एग्जाम्पल देखिए, एक और लुक एट द एग्जाम्पल. यू मे गो. सो गो इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड मे इज मॉडल हियर. सो बेसिकली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज इन ऑल मॉडल. सारे मॉडल्स के साथ वी विल यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. नाउ थर्ड फॉर्म इज यूज इन पैसिव वर्ब. जब हम एक्टिव से किसी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब हम कौन सी यूज में लेते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द मॉडल. जब हम उसमें किसकी फॉर्म यूज में लेते हैं? थर्ड फॉर्म. जैसे मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. बेसिकली अगर हम यू जनरल बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं. अगर गो है तो हम यूज करेंगे गो वेंट गॉन, यानी हम कौन सी यूज करेंगे? गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ द नेक्स्ट रूल इज बोथ प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज इन अ सिंगल सेंटेंस, बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर प्राइमरी. Both primary and model auxiliary verbs are used or can be used in a single sentence. इन दोनों को हम एक साथ use कर सकते हैं, but the rule is that model comes before primary. जो model verb है, helping verb है, वो आएगा primary auxiliary verb के पहले. देखिए, she may do it. So may यहाँ पर है model and do है यहाँ पर main verb. So the model always comes before main verb. Main verb के पहले ही आता है.
इन द नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सो सिंपल व्हाट वी विल डू, अगर ही यू कैन गो, अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो सिंपल हम यहाँ पे नेगेटिव में इस तरीके से चेंज करेंगे, यू कैन, सिंपल सा नेगेटिव की पहचान होती है कि उसमें नॉट लगा हुआ होता है, यू कैन नॉट गो, सॉरी यू कैन नॉट गो, सिंपल सा हमें नॉट लगा के। और अगर इसी सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव में बनाना है तो इंटरोगेटिव में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम मॉडल को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह, मॉडल को ले आएंगे हम सब्जेक्ट की जगह, एंड वी विल पुट सब्जेक्ट देन देयर, ही कैन गो, कैन ही गो, एंड वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज, दीज आर द सर्टेन रूल्स विच आर टू बी फॉलोड बाई यूजिंग अ मॉडल इन अ सेंटेंस, सो यू नीड टू रिवाइज दीज इन योर copies, you can write these in your copies and you have to complete the work as soon as possible. Thank you.